मेरा नाम छोटू है और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। गर्मी का मौसम और इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुँचा था तो दरवाज़ा बंद था। बार बार बजाने पर भी कोई ना आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगा घर के अंदर आया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं घर बार संभालूं। तुम अपनी पत्नी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ, और सीमा को देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से से उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई, और साथ में सोई हुई मेरी बेटी भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। सीमा जल्दी से उठी और बिट्टू का फीडर धोकर उसमें दूध डालकर उसे देने लगी तो वो चुप हो गई। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी कि देख लिया आज तुमने अपनी आँखों से कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी आराम करती रहती है और घर का ज़्यादातर काम तो मैं खुद ही करती हूँ। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो फिर से मेरी माँ मुझे पीछे से आवाज़ देने लगी कि अपनी पत्नी को बोलो कि तुम्हें कुछ चाय पानी का पूछे, जब देखो पलंग तोड़ती रहती है, बिट्टू का बहाना बनाकर रखा हुआ है, खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब अपने कमरे में गया तो उससे कहा कि आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम्हें ज़रा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी पत्नी का ही ख्याल रखना। मैं तो जब भी आती हूँ तुम्हारी पत्नी को आराम करते हुए ही देखा है। मेरी माँ को आँख की प्रॉब्लम थी, इसलिए मेरी पत्नी उनके लिए परहेजी खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे, इसलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का परहेजी खाना अलग बनाती थी। मैं जब गहरी नींद सो रहा था तो मुझे बिट्टू की रोने की आवाज़ आई। मैंने गुस्से से अपनी पत्नी को देखा और उससे कहा कि तुमने तो सारा दिन अपनी नींद पूरी कर ली है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो, इसे लो और दूसरे कमरे में चली जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहाँ सारा दिन मैं काफ़ी टेंशन में रहा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत सारा काम दे रखा था, चाय के साथ एक दर्द की दवा भी ली। 3 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो बिट्टू ने तंग किया हुआ था और ऊपर से दीदी के 2 बच्चे भी आए हुए थे। खैर, 4 बजे तक मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया, लेकिन मेरी बस जा चुकी थी। काफ़ी टाइम से मैं दूसरी बस का इंतज़ार करता रहा। इसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी बहुत थी। मैं घर आया तो सीमा कमरे में ही मौजूद थी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अब जागी हो। वो कहने लगी कि नहीं, बिट्टू की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने अभी दवाई देकर इसे सुलाया है, इसके पेट में बहुत दर्द था। सीमा उठी और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हाल चाल पूछा तो वो कहने लगी, छोटू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में सीमा पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो, जबकि वो मुझे हक्का बक्का सी देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मैं उसे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा कि आदमी किस लिए शादी करता है कि पत्नी आकर उसका घर संभाले, उसके बच्चों का ख्याल रखे, और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं है। सीमा कहने लगी, नहीं नहीं, मैं सारा काम खुद करती हूँ। और अब सारा काम करने के बाद कमरे में जाकर आराम कर रही थी।
पूरी रात बिट्टू ने मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसे अपने मायके जाने के लिए बोल दिया। उसने अपने भाई को फ़ोन किया, कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया। उसने अपना और बिट्टू का सामान पैक किया, तब मैंने उसे बहुत डांटा कि केवल तुम्हें जाना है, मैं बिट्टू को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि सीमा रोए जा रही थी और जिद कर रही थी कि बिट्टू मेरे बगैर नहीं रह सकती, आप कैसे उसे संभालेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी देखो, बिट्टू को मैं देख लूँगा। उसका भाई बाहर ही गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। बार बार हॉर्न बजाने पर सीमा अपना सामान उठाकर जब बिट्टू को उठाने लगी तो मैंने उससे बिट्टू को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ गई। उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला, शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि सीमा ने उसे मना कर दिया। फिर वो अपनी बहन को लेकर चला गया। जब मैं कमरे में आया तो बिट्टू को नीचे फर्श पर बिठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बिठा सकते, कहीं वो नीचे न गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाना है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं पकाया। मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का सी देखने लगी और कहने लगी, छोटू आज तो मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब है। जब मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा तो वो बेड पर सर लपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। फिर किचन में जाकर मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी, यानी सीमा सब्जी बना कर गई थी। जब मैं ऑफिस से घर आया था तो वो शायद सब्जी बना चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने किचन में देखा कुछ बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ इन्हें कैसे धोएंगी, माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मैंने खुद ही धोना शुरू कर दिया। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें सेल्फ पर रखने लगा तो मुझे बिट्टू के रोने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया तो बिट्टू अपना फीडर ख़त्म कर चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो उसने पॉटी की हुई थी। मैंने जल्दी से उसका डायपर बहुत बुरे दिल से चेंज किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी। लेकिन बहरहाल मुझे ये काम भी करना था। पॉटी साफ करके मैंने बिट्टू के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने उसको झूले में लिटा दिया और वो सुकून से लेट गई। फिर इसके बाद मैंने बेड से सारी चीज़ें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेडशीट को देखा तो वो भी गंदी थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से धोई हुई बेडशीट निकाल कर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया। अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे बिट्टू की रोने की फिर से आवाज़ आई। मैं भागा हुआ कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं बिट्टू गिर ना जाए। मैं उसे माँ के पास छोड़ आया और आकर बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला आया। सब्जी तो सीमा बनाकर ही गई थी, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी हैं। मैंने फ्रिज खोला तो देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंथूं, आटे का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूँ। मैंने माँ का परहेजी खाना देखा तो वो भी बना हुआ था, सिर्फ रोटियां ही ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर किया और फिर माँ के कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे बिट्टू के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बिट्टू को उठा कर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए सेरेलेक बनाया। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलेक कैसे बनाना है। फिर इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसे किस तरह से बनाना है। मैंने सेरेलेक बनाया और बिट्टू को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर से अपने कपड़े गंदे कर लिए। मैं उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी। मैं रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी। बच्चे को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे निवाले तोड़ कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर बिट्टू ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी दोनों ठंडी हो जाएंगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया। कुछ ही देर बाद बिट्टू सो गई, मैं भी उसके पास लेट गया। ना जाने कब मेरी भी आंख लग गई, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है।
मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया तो देखा बिट्टू का डायपर लीक था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर चेंज किया, उसके कपड़े चेंज किए, अलमारी से एक और बेडशीट निकाली, वो भी चेंज की। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो कपड़े और बेडशीट मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिए और खुद भी सो गया और बिट्टू को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफ़ी टाइम हो गया था, तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी। लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी दीदी के बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे, दीदी ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा। मैं खुद ही किचन में आया और फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और बगैर गर्म किए ही जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाना आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा बहुत पसंद था। मुझे नहीं पता कि सीमा कब और कैसे दही बना लेती थी। खैर, मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और बिट्टू को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही बिट्टू के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने घर आकर देखा तो बिट्टू आंगन में ही फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो और चिल्लाने लगी और पापा पापा कहने लगी। बिट्टू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहाँ रात वाले कपड़े देखकर मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। अब जैसे भी था मुझे ये सब कुछ तो करना ही था। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी सीमा ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ कह भी देता तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो सिर्फ मेरा ख्याल ही रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी पत्नी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को सीमा से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन दो दिनों से फर्श गंदा था। मैंने कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीज़ें समेटी और फिर उसके बाद बिट्टू को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और बिट्टू को आगे बिठाया और अपनी बाइक को उस साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था, जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थी। मैं ये समझ गया था कि मैं सीमा के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी के बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरी बेटी, मेरा ये घर, ये सब कुछ तो मेरी पत्नी ने ही संभाला हुआ था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। मैं सीमा के घर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा सीमा की भाभी ने खोला। मैं नमस्ते करते हुए अंदर आ गया। मैं जब सीमा के पास गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी, शायद वो बहुत रोई थी। मैंने उसे पुकारा, मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई। जल्दी से भागकर वो बाहर आई, उसने बिट्टू को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने सीमा का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुराने लगी। वो एक पत्नी भी थी और एक वो माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन तीन ही दिनों में मुझे ये एहसास हो चुका था कि पत्नी के बगैर सब कुछ अधूरा है। घर, पति और बच्चे, सब कुछ। पत्नी जीवन की खुशियों का स्तंभ है, इसलिए हमेशा अपनी पत्नी की कमियों को देखने से बेहतर है कि उसके त्याग को समझें। उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।